तो देश भर में शनिवार से टीकाकरण महाअभियान का आगाज हो रहा है। यह आगाज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन खास बात क्या है जो आपको जाननी चाहिए? वो खास बात यह है कि वैक्सीन की सुरक्षा कैसी है। अरे भाई, ये भी तो समझिए कि जिस वैक्सीन के लिए सब इतने उत्साहित हैं, आखिरकार उसकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। इस खास रिपोर्ट में आपको यह पता चलेगा। देखिए, 16 तारीख 2021 का शनिवार देश की सेहत के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुके कोरोना का मारक अस्त्र उपयोग में आ जाएगा। जी हाँ, बात कोरोना वैक्सीन की हो रही है। अब इस बात के महत्व को ऐसे भी समझिए कि पीएम खुद इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और टीका देश को समर्पित करते हुए वैक्सीनेशन के लिए जरूरी कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। इसी ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बाद लोगों को टीका लगने की तारीख, स्थान और अन्य जानकारी मुहैया होगी। तो वहीं इस बीच सूबे की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को पहुंची वैक्सीन की पहली खेप बुधवार को लखनऊ मंडल के जिलों में भी पहुंचनी शुरू हो गई। खास बात ये कि शहर में पहुंची वैक्सीन की सुरक्षा कैबिनेट मंत्री की तरह की जा रही है। ऐसे की जा रही है वैक्सीन की सुरक्षा। स्टेट जिला कोल्ड स्टोरेज सेंटर में एक SI, दो सिपाही, एक प्लाटून PSC तैनात की गई है। तो वहीं रीजनल कोल्ड स्टोरेज सेंटर में एक उपनिरीक्षक, दो सिपाही, दो सेक्शन PSC बल तैनात किए गए हैं। तो वहीं कोल्ड चेन के 16 पॉइंट पर 64 सशस्त्र सिपाही तैनात किए गए हैं। तो दूसरी तरफ वैक्सीनेशन सेंटर्स के लिए 56 SI, 77 पुरुष और 63 महिला सिपाही तैनात किए गए। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक सशस्त्री आरक्षी हर समय वैन में मौजूद रहा। 4 से 5 सिपाही और एक दरोगा का स्कॉट वैन को कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचाने के लिए तैनात है। तो वहीं 189 सिपाही, 189 होमगार्ड वैक्सीन टीम के सहयोग के लिए तैनात हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशक राकेश दुबे कहते हैं कि वैक्सीन की सुरक्षा का पूरा प्लान पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयार कर लिया गया था और इस पर बुधवार से अमल शुरू कर दिया गया था और इसी सुरक्षा के बीच वैक्सीन एयरपोर्ट से स्टोरेज सेंटर पहुंचाई गई। इसी तरह मंडल के जिलों में भी पहुंचाई गई। दूसरी तरफ चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर DS नेगी की माने तो कैबिनेट मंत्री को भी यही सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। खैर, 16 जनवरी से प्रदेश में वैक्सीनेशन होना है, ऐसे में पूरे प्रदेश में वैक्सीन पहुंचाने की डेडलाइन 15 जनवरी की दोपहर तय की गई थी। सभी जगह कोल्ड चेन की माकूल व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर ली गई थी। पहले चरण में प्रदेश के 9 स्टेट कोल्ड स्टोरेज सेंटर पर वैक्सीन भेजी गई। UP में पहले चरण के लिए 10,55,500 वैक्सीन पहुँची। लखनऊ मंडल को कुल 1,61,980 वैक्सीन मुहैया कराई गई है। इस खेप में भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन और सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता TV। तो कोरोना वायरस को मात देने के लिए उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पुख्ता है, पूरी हो चुकी हैं और सभी सेंटरों पर वैक्सीन पहुंच गई है। असल में 16 जनवरी को शुरू होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर लोक भवन में हमारे संवाददाता अनूप सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत करी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको खुद सुनना पड़ेगा, सुनिए। इंतजार के बाद देश के सामने कोरोना वैक्सीन सबके सामने होगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका शुभारंभ करेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह हैं। सर, कल किस तरीके से तैयारियां पूरे उत्तर प्रदेश में की गई हैं? तैयारी पूरी हो चुकी है और तमाम ड्राई रन करने के बाद हमारी वैक्सीन भी पहुँच गई है। वैक्सीन नीचे CCTV वैक्सीन हमारे नीचे कोल्ड चेन तक पहुँच चुके हैं, जहाँ हमारा CCTV और हमारे वो लगे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए हैं, इसलिए उस तरह से हमारा प्रबंधन पूरा नीचे से तैयार हो गया है। अब खाली कल के दिन 317 केंद्र लगेगा 75 जनपदों में और 31,700 की संख्या होगी। कल प्रधानमंत्री जी कुछ लोगों से बात भी करने की चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, उसके लिए कुछ तैयारियां की गई हैं? वो उनका संबोधन होगा, उसके बाद यदि उनको आवश्यकता पड़ेगा तो 2 केंद्र चुने गए हैं, झांसी और वाराणसी, अगर उनका आवश्यकता होगा, मगर इसका अभी कोई हम लोग ने ये नहीं जानकारी नहीं है कि वो बात करेंगे नहीं करेंगे।
हेल्थ वर्करों को में एक असमंजस की स्थिति है, कुछ लोग नहीं लगवाना चाहते हैं, क्या लगवाना अनिवार्य होगी या फिर अपने आप से? जो भी देखिए, इसका हम लोग को कोई सूचना नहीं है कि हेल्थ वर्कर लगाना चाहते हैं नहीं लगाने, ये तो उनके सुरक्षा के लिए है क्योंकि वो ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। ये पूरे कोविड महामारी में हमारे स्वास्थ्यकर्मी ने ही पूरा संभाला है, जो प्रबंधन का सिस्टम किए थे उसमें स्वास्थ्यकर्मी के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं गया था, तो उनके हित में है कि उनको लगाना भी चाहिए कि आगे चल के तो अभी उनको काम करना ही है। हर प्रकार की बीमारी आती है, अगर इस बीमारी से हमको छुटकारा मिल जाए वैक्सीन लगाने से तो उनका ही फायदा है। अभी कितनी वैक्सीन अपने पास उत्तर प्रदेश में है और आगे क्या उम्मीद है? 11 लाख वैक्सीन अभी हमारे पास है, वो हम लगाएंगे, आगे जैसे सप्लाई आएगा हम बता देंगे। शुक्रिया सर। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं वैक्सीन को लेकर, लगातार जिस तरीके आपने देखा कि 3-3 ड्राई रन चलाए गए, पूरा जो डेमो पूरा तैयार किया गया था, उसके बाद जिस तरीके से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल देश के प्रधानमंत्री पूरी जनता को शुभारंभ करेंगे और संबोधन भी देंगे कि किस तरीके से वैक्सीन जरूरी है, किस तरीके से कोरोना जो योद्धा हैं उनके बाद किस तरीके इसको लगाई जाएगी, ये सब प्रधानमंत्री तय करेंगे। कृपासन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो अनूप को आप सुन रहे थे, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत करी है और अनूप ही हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हुए हैं, इस समय लखनऊ से अनूप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब जिस दौरान आप स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत कर रहे थे, ग्राउंड जीरो पर चुकी आप मौजूद हैं, आपने तमाम तैयारियों का भी जिक्र किया है, कहाँ कहाँ कितने सेंटर्स लखनऊ के अंदर हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए, फिर और विस्तृत तमाम जानकारी मैं आपसे लूंगी। देखिए पूजा, लखनऊ में बृहद तरीके से तैयारी की गई है, खासकर केजीयू में करीब 30 से ज्यादा सेंटर केजीयू में बनाए गए हैं। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना काल में केजीयू ने एक नया इतिहास रचा था, सबसे ज्यादा जो पेशेंट केजीयू में वहां पर ठीक हुए थे, वहां से डिस्चार्ज किए गए थे, ठीक उसी प्रकार से एक जिम्मेदारी उठाते हुए किंगजॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है इस बार बेहद तरीके से व्यवस्था कर रखी है। खासकर देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट अस्पतालों की बात करें या फिर जिस तरीके से सहारा हॉस्पिटल प्राइवेट निजी अस्पताल है, उस पे भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहां पर तैयारियां जोरों शोरों से हो चुकी है और कल उसका आगाज होगा। लखनऊ के कुछ CSC हैं, यानी उन पर भी तैयारी पूरी तरीके से की गई है, जैसे माल है या फिर तमाम ऐसे CSC हैं उन पर व्यवस्था की गई है। कल जिस तरीके से 20,000 से ज्यादा को एक लक्ष्य रखा गया है कि लखनऊ में जो हेल्थ वर्कर हैं उनको लगाने की जिस तरीके से प्रक्रिया शुरू होगी, खासकर उस प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद जिस तरीके से सब पूरे देश में एक साथ प्रक्रिया शुरू होगी, उसी तरह लखनऊ में चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, खुद मुख्यमंत्री यहां पर रहते हैं और पूरी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया मुख्यमंत्री ने खुद देखी है, जिस तरीके से ड्राई रन चलाए गए, 3-3 उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और वो खुद वैक्सीनेशन केंद्र पर वहां पर गए, किस तरीके से तैयारियां चल रही उन्होंने खुद देखा है। ठीक है, कल वो दिन है, कल वो चला चुका है पूजा, जिसका इंतजार लंबे समय से था, लोग चाह रहे थे क्योंकि सालों साल लग गया इस वैक्सीन को आने में, हालांकि देश के वैज्ञानिकों ने कम समय में वैक्सीन तैयार की है, अब ये लोगों के पास जिस तरीके से कल लगना शुरू हो जाएगा, ये बताया जा रहा है कि करीब 9 लाख वर्कर उत्तर प्रदेश में है उनको लगना है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से 8.5 लाख से ज्यादा जो वर्कर हैं उनका पंजीकरण हो चुका है, यानी कुछ अभी वर्कर ऐसे हेल्थ वर्कर जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है। बातें जिस तरीके से राजनेताओं ने एक अफवाह फैलाई है कि इस वैक्सीन में जो इसके पीछे कहीं ना कहीं चाहे जिस तरीके से जो अफवाहें हैं वो फैल रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, लेकिन सरकार एक बार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर पहले इस वैक्सीन का इस्तेमाल करें, वो लगवाएं, उसके बाद जनता में जो मैसेज जाएगा उसको लेकर लगातार सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से देखा गया सरकार ने या फिर ये समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से तय कर रखा है कि फ्रंट लाइन के वर्कर यानी हेल्थ वर्कर जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा हम जानकारी दे रहे हैं। मैं आपसे सियासी समीकरण समझना चाहूंगी, जिस तरीके से बातचीत हो रही है, सपा के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि भाई वैक्सीनेशन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं पहले उनको करवाना चाहिए, क्या एक डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, जब ऐसे माहौल में सभी को इंतजार था वैक्सीन आ जाए और सभी इस वैक्सीन का लाभ उठा पाए, ऐसे माहौल में इस तरीके की बयानबाजी कितनी उचित है? देखिए पूजा, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था कि ये जो बयानबाजी से एक मैसेज जो जनता के बीच में गया है वो डर का माहौल बना रही है। जिस तरीके से आप देखा किस तरीके से अखिलेश यादव एक जिम्मेदार व्यक्ति है, पूर्व मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, उनके बयान के बाद एक मुस्लिम समुदाय के लोग, करीब काफी लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो उनका कहना है वैक्सीन उन नहीं लगवाएंगे। अगर इस तरीके से मैसेज समाज में फैलता है तो फिर आने वाले समय में सरकार को कहीं ना कहीं कदम उठाने पड़ेंगे, इस जो कोरोना की चैन है उसको तोड़ने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए ताकि सब लोग उसमें वैक्सीन लगवाएं और देश से कोरोना बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो। हालांकि समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, वो लगातार अखिलेश यादव ऐलान कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार आएगी तो मुफ्त में सबको वैक्सीन दी जाएगी, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। लेकिन 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 अनु ऐसे में सवाल ये कि अखिलेश यादव कौन सी वैक्सीन लाने वाले हैं जो लगाने के लिए माकूल है और भाजपा की जो वैक्सीन है वो लगाने के लिए माकूल नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़े, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से आपने साझा करी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर।